हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हम गोडाउन वायरिंग कनेक्शन सीखने वाले हैं और सीखने वाले हैं किस तरह गोडाउन में वन लाइट ऑन वन लाइट ऑफ कनेक्शन किया जाता है। तो चलिए पहले हम इस कनेक्शन की वर्किंग समझ लेते हैं, फिर किस तरह कनेक्शन किया जाएगा वह अभी हम सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस कनेक्शन की वर्किंग क्या है। जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा था, इसमें हमें वन लाइट ऑन वन लाइट ऑफ कनेक्शन करना है। सपोज ये हमारा कोई गोडाउन का एंट्रिंग पॉइंट है, कोई पर्सन यहां से आता है और इस स्विच को जैसे ही ऑन करता है तो हमारे इस स्विच ने बल्ब ने ऑन हो जाना चाहिए। जैसे ही वो पर्सन यहां से आके जाता है और इस स्विच को ऑन करता है तो इस बल्ब ने ऑफ और इसने ऑन हो जाना चाहिए। अब सपोज पर्सन यहां से यहां पे आगे पहुंचे, जैसे इसे ऑन करेगा तो इसने ऑफ और इसने ऑन हो जाना चाहिए। सपोज पर्सन का काम गोडाउन से कंप्लीट हो गया, वापस आता है, जैसे इसे प्रेस करता है इसने ऑफ इसने ऑन हो जाना चाहिए, यहाँ पे प्रेस करता है इसे ऑफ इसने ऑन हो जाना चाहिए और यहां से उसे बाहर निकलना हो तो इसे ऑफ करके बाहर आ सकता है। तो ये जैसा कि हमने आपको पहले कहा था वन लाइट ऑन वन लाइट ऑफ कनेक्शन है। चलिए अब हम सीख लेते हैं कनेक्शन किस तरह किया जाएगा। तो चलिए कनेक्शन स्टार्ट करने से पहले हम सीख लेते हैं इस कनेक्शन के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। जैसा कि आज के स्टूडियो में हम तीन बल्ब को कंट्रोल करने वाले हैं गोडाउन वायरिंग में। आपके पास ज्यादा बल्ब हो तो आप ज्यादा बल्ब भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो तीन बल्ब और तीन होल्डर हमें लगने वाले हैं। उसके बाद देखा जाए तो तीन बल्ब के लिए हमें तीन स्विच लगने वाले हैं। बट इन स्विच में देखा जाए तो दो स्विच जो हो गए हमारे पास टू वे स्विच हो गए, आप देख सकते हैं। और जो पहला वाला स्विच हम कनेक्ट करने वाले हैं वह यहाँ पे सिंगल वे स्विच होगा। सिंगल वे स्विच में आप देख सकते हैं यहाँ पे दो पॉइंट होते हैं, यहाँ पे हम सप्लाई देते हैं और जब स्विच को हम ऑन करते हैं तो सप्लाई यहाँ से यहाँ पे आती है। और वहीं यदि टू वे स्विच को देखा जाए तो टू वे स्विच में तीन पॉइंट होते हैं, ये लोड पॉइंट होता है जहां पे हम सप्लाई कनेक्ट करते हैं। यदि हमारे स्विच की पोजीशन इस तरह है तो सप्लाई यहां पे कनेक्ट होगी, यदि स्विच की पोजीशन यहां पे है तो सप्लाई इस तरह से यहां पे कनेक्ट होगी। तो बेसिकली टू वे स्विच होता है। चलिए हम समझ लेते हैं किस तरह इसका कनेक्शन किया जाएगा। सबसे पहले हम जानते हैं किसी भी लोड को ऑन ऑफ होने के लिए फेज और न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने क्या किया है, तीनों बल्ब के जो न्यूट्रल है उन्हें आपस में लूपिंग कर दी है। देखिए यहां से न्यूट्रल आया, इसमें गया, इससे यहाँ पे आया, इससे यहाँ पे आया, दैट मीन्स तीनों जो बल्ब है तीनों बल्ब के लिए हमने न्यूट्रल को कॉमन कर दिया है। अब हमारे पास से जो आगे से एमसीबी से जो न्यूट्रल आएगा मेन, उसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तो तीनों बल्ब में न्यूट्रल कनेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम सीख लेते हैं किस तरह फेस की वायरिंग की जाएगी। कनेक्शन काफी सिंपल और इंटरेस्टिंग है, आप उसे ध्यान से वॉच कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे पास मेन फेज आता है या एमसीबी से जो फेज आता है उसे लाके जो हमारा सिंगल वे स्विच है यहाँ पे हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। चलिए यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब क्या होगा, ये ऑफ पोजीशन में फेज यहाँ पे होगा। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करते ही फेज यहाँ से यहाँ पे आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से फेज आने पे एक लूपिंग को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं इस टू वे स्विच के सेकंड पॉइंट में या लोड पॉइंट में। हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले एक वायर कनेक्ट करते हैं और इसे ले जाके जो हमारा सेकंड वाला स्विच है उस स्विच के लोड वाले पॉइंट में इसे हम कनेक्ट कर देते हैं। पहले हम इसे यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और इसे यहां से हमें इस स्विच के सेंटर वाले पॉइंट में, हम कह सकते हैं लोड वाले पॉइंट में इसे कनेक्ट करना। ध्यान रखिए सेंटर वाले पॉइंट में ही कनेक्ट करना है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। चलिए हम इसे अच्छे से टाइट कर देते हैं, कनेक्शन को आप फुल टाइट कीजिए, कहीं भी कोई लूजिंग नहीं रहे इसका आप ध्यान रखिए। चलिए अब क्या करना है, टू वे स्विच में यहाँ पे अब तीन पॉइंट होते हैं, सेंटर में हमने फेस को या लाइव को कनेक्ट कर दिया है। अब क्या करना है, इसके जो टॉप वाला पॉइंट है, टॉप वाले पॉइंट में इस बल्ब का फेज, ध्यान रखिए पहले बल्ब का फेज यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है, क्योंकि हमें इस कनेक्शन में एक वन लाइट ऑन वन लाइट ऑफ कनेक्शन कर रहे हैं। दैट मीन्स एट ए टाइम एक लाइट ऑन होगी एक लाइट ऑफ होगी, इसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो नीचे वाला पॉइंट है यहाँ पे हमें क्या करना है, एक लूपिंग को और कनेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे हम एक लूपिंग कनेक्ट कर लेते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे किया था उसी तरह यहाँ पर भी करना है। और आपके पास यदि और भी स्विच है तो इस तरह से आप कनेक्शन को आगे बढ़ाते जाइए, आपका कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हमें क्या करना है, जो सेंटर में हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है उसे हमें ले जाके जो लास्ट वाला टू वे पॉइंट है, टू वे स्विच का जो लोड वाला पॉइंट है, चलिए अभी लास्ट वाले स्विच में क्या करना है, सेंटर में हमने क्या सप्लाई कनेक्ट कर दी है, दैट मीन ये स्विच जब ऑफ रहेगा, जब सप्लाई यहां से आएगी और यहां पे आएगी इसके ऑफ होने पर, अब क्या होगा, देखिए अब क्या होगा, मैं इस बल्ब में दो एक स्विच में दो बल्ब बचे हुए हैं, तो जो हमारा सेंटर वाला स्विच है, सेंटर वाला बल्ब है, इसमें इस वायर को कनेक्ट करना है। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं और जो लास्ट वाला बल्ब है उसका जो सप्लाई वाला पॉइंट होगा या फेज वाला पॉइंट होगा
इसे हमें जो लास्ट वाले स्विच के सबसे लास्ट वाले पॉइंट में यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो चलिए इसे हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ध्यान रखिए जो आपका लास्ट वाला स्विच होगा उसमें आपके पास दो बल्ब के कनेक्शन आने वाले हैं। आप इसे इससे भी याद रख सकते हैं। यदि आपके पास और भी स्विच हो तो आपको क्या करना है, यहां से इसे निकालना है और यहां से एक लूपिंग इस तरह कनेक्ट करके इसे और आगे बढ़ाते जाना है और आपका कनेक्शन उस तरह से हो जाएगा। जस्ट ये हमारा कनेक्शन बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट करके देख लेते किस तरह वर्क कर रहा है। चलिए अब हमने कनेक्शन कंप्लीट हुआ, सप्लाई को भी ऑन कर लिया है। अब कोई पर्सन सपोज ये गोडाउन में इंटर हुआ, जैसे इस बल्ब को स्विच को ऑन करेगा तो हमारा पहला बल्ब ऑन हो जाएगा। अब जैसे ही पर्सन आगे जाएगा और आगे पहुंचते हुए यहाँ पे इसे ऑन करेगा, देखिए ये बल्ब ऑन हो गया और यह ऑफ हो गया। सपोज पर्सन यहाँ से और आगे गया और इसे ऑन करता है तो देखिए ये वाला ऑन हो गया और यह ऑफ हो गया। अब सपोज पर्सन का काम गोडाउन में कम्प्लीट हो गया और उसे वापस आना है, तो वापस आने के लिए वो क्या करेगा, इसे जैसे ही ऑफ करेगा तो यह ऑफ हो जाएगा और यह ऑन हो जाएगा। इसे जैसे ही ऑफ करेगा तो ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। अब वो जैसे ही गोडाउन से बाहर निकलना होगा तो इस स्विच को ऑफ करके बाहर आ जाएगा। तो इस तरह आप गोडाउन वायरिंग कनेक्शन काफी आसानी से कर सकते हैं। इसमें हमने तीन बल्ब के लिए किया था, आपको ज्यादा बल्ब के लिए करना है तो इसे आगे और बढ़ा के कर सकते है। सो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो कैसा लगा कमेंट से जरूर बताएं और अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।